अलहमदुलिल्लाह शंकर भाई, अलहमदुल्ला ठीक ठाक, अलहमदुल्ला। और वसीम भाई बड़े अच्छे इंसान है। वालेकुम सलाम भाई, आप हमें गलत गेट पे ले तेज धूप सर। क्यामत की निशानी में से ये भी निशानी है ना कि सऊदीया जो है वो हरा भरा हो जाएगा, सब्जा आ जाएगा, ठीक है। तो वो ये देखो आपके सामने निशानी है कि आप देख सकते हैं। नहीं ये अभी मिट्टी आई है, लेकिन 2-3 महीने पहले ये बिल्कुल यूज होती है हंड्रेड पर जहाँ पे पुलिस वाले पड़ोस है। और ये जो खाना कबक है इनकी रस्सी इस्तेमाल होती है। और ये जो है सोने की और चांदी की है जो ये गुलाब काबा सिया जाता है। ये अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक विद अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। सबसे पहले दुरूशी पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैहि रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबी की सैयदी या हबीबल्ला। तो इस टाइम मैं ये गजा पे मौजूद हूँ हरम शरीफ के अंदर। और जी अभी जो है हरम शरीफ पहुँच चुके हैं इस टाइम, और माशाल्लाह इस टाइम तकरीबन 11 होने वाले हैं, 15 मिनट रह गए। और चहल पहल हरम शरीफ की ऐसा सब काम भी चल रहा है। अभी जो है बस मक्का टावर जाना है, जाकर दिलकर भाई को कॉल करते हैं, उसके बाद मिलते हैं और फिर निकलते हैं आगे। दिलकर भाई साथ में, अस्सलाम वालेकुम दिलकर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। और वसीम भाई बड़े अच्छे इंसान हैं, कल हमें मिले थे और कल इन्होंने बड़ी हमारी हेल्प की है और आज भी हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं। अभी बहुत ही अच्छी जगह पर, क्या उसको कहते हैं, कस्बा काबा, कस्बा फैक्ट्री। हाँ जी, कस्बा फैक्ट्री जहाँ पे जो है गुलाब काबा जो है वो तैयार होते हैं और फिर हज पे वो चेंज होता है। और माशाल्लाह एजल भी साथ है और बाकी फैमिली पीछे है। और जुल्कर भाई कैसा आपका उम्र है? बहुत जबरदस्त यार, मजेदार है। आज आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन के बस ये फैक्ट्री रिजल्ट के बाद हम लोग निकल जाना है। अच्छा ठीक है, अब इंशाल्लाह अल्लाह ने फिर चाह तो आएंगे इंशाल्लाह, जरूर अल्लाह पाक आपको बुलाता रहे। और अच्छा जी, किस्मत काबा जो थे वो पहुंच गए और नान भाई साथ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नान भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम भाई, आप हमें गलत गेट पे ले तेज धूप सर, उसे गेट पे आप माजरा चाहते हैं इस पे। और कोई नहीं है, यहाँ की सदत है, बरकत है बिल्कुल। ये भी देखें कितने खुश नसीब आ गए हैं, बड़ी बात है। हरम की इस पे जमीन को चल रहे, अल्लाह पाक आपको आना जाना रखे। और कैसा रहा उमरा? उम्र जबरदस्त रहा वसीक भाई। ये मैं सोच रहा हूँ कि जो पहाड़ इस तरह के हैं अभी आप सल्लम का जो दौर था उसमें इसी तरह के पहाड़ होंगे सारे, ये जो यानी ये मुझे कम पथरीले लग रहे हैं पूरे से। पहाड़ इसी तरह के थे, क्यामत की निशानी में से ये भी निशानी है ना कि सऊदीया जो है वो हरा भरा हो जाएगा, सब्जा आ जाएगा, ठीक है। तो वो ये देखो आपके सामने निशानी है कि आप देख सकते हैं। नहीं ये अभी मिट्टी आई है, लेकिन 2-3 महीने पहले ये बिल्कुल प्रॉपर ग्रीन थे, प्रॉपर ग्रीनरी थी। ये बारिश के बाद ना ये हुआ माशा, लेकिन जो भी है कल हम उधर ज्यारत पे गए हुए थे। अच्छा अच्छा, तो ज्यारत पे जब हम उस पे गए दारे हेरा में और बाकी सब पे गए तो बिल्कुल यानी हमें देख के नहीं जाया जा रहा था, देख के खौफ आ रहा था दारे हेरा वगैरह से। और मैं सोच रहा था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जाते थे और आते थे, उनको फील ही नहीं होता। अभी तो प्रॉपर रास्ते बना दिए, लेकिन उस टाइम तो आपके सामने प्रॉपर पत्थर वगैरह पड़े थे। तो असल में इन ज्यारतों को देख कर हमें अंदाजा होता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अपनी उम्मत बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। तो बाकी हरम के इर्द-गिर्द वाली आपने ज्यारतें वगैरह की हैं जहाँ पे रसूल सल्लम का घर बना हुआ है? एक म्यूजियम रह गया, वो जो हजूर सल्लम का जो घर है जहाँ पे आप म्यूजियम बना दिया, वो हमने देखना है। वो मैं आपको ले जाऊंगा, यहाँ से वापसी उधर चलते हैं। फैमिली को छोड़ के ना अभी जो है वो ये जब हम आ गए किसके काबा के अंदर और अभी अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। और अली भाई जो हमारे साथ हैं, अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। और ये जो है मदीना शरीफ का जो इन्होंने गुलाब वगैरह लगाया हुआ साइडों, और बीच में जो है ये है गुलाब की काबा, वो उसके काबा उन्होंने बंद किए हुए कुछ चीज़ों की वजह से। और अभी जो है ये हम मौजूद हैं, ये आप रस्सी देख सकते हैं, ये यूज़ होती है हंड्रेड पर से जहाँ पे पुलिस वाले पड़ोस है। और ये जो खाना कबक है इनकी रस्सी इस्तेमाल होती है। और उसके बाद ये कुछ औजार हैं, और ये जो है सोने की और चांदी की है जो ये गुलाब काबा सिया जाता है। ये वो धागे और ये पुराने हाथ से बनाए हुए थे। ज्यारा जो है वो करवा दिया, अंदर नहीं जा सके क्योंकि कुछ इशू वगैरह बने थे आपको बताया। तो अली भाई और जुल्कर भाई जो है साथ हैं, और जुल्कर भाई थोड़ी बहुत जो आपने ज्यारत की है
कैसा लगा? बहुत नहीं, बहुत ज्यादा करवा दिया यार अली, फिर भी मैं सेटिस्फाई उस लिहाज से नहीं कर सका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको खाना खिला देते हैं सर, कोई मसला खाने खाने आपके लिए, आप बताए मंदी मुंदी खाए कोई, हम सेटिस्फाई हो सकते आपको रुपयों से गालियां नहीं खिलाई। अच्छा जी, गर्मी इतनी हुई भी है और अभी टैक्सी के बाहर में खड़े हैं, एक फैमिली चली गई है और अभी जो है टैक्सी देख ली और अच्छा अभी जो है हम होटल पहुंच चुके हैं नान भाई के साथ, और जो नैन भाई जो है वो जा रहे हैं, तो नान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने हम गरीबों को याद रखा, अल्लाह पाक खुश रखे पाकिस्तान लाहौर जब भी हैं भाई के पास लास्ट इंशाल्लाह, तो बैठा हुआ इंशाल्लाह, अल्लाह पाक खुश रखे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आपने जब भी यहाँ पे कवि को देखा मुझे दुआ याद है, दुआ मुझे रात की याद है, और इंशाल्लाह अगली दफा आएंगे तो आप आगे स्पेशल खुशी देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, वालेकुम सलाम। देखने के लिए हमारा चैनल हाजी कामरान खान सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाने ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रहें।